गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 9 चिड़िया की बच्ची का पेज नंबर 71 करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। यहाँ चिड़िया कहती है कि सेठ मैं तो बहुत ज़्यादा नादान हूँ, मुझ में कुछ समझ नहीं है और मैं तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें कुछ नहीं समझती। मैं तो बस यही जानती हूँ कि मुझे बहुत देर हो गई है और मेरी माँ मेरा इंतज़ार करती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं। ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे बांति बांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित पसंद किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बहार के सामने? तेरी माँ क्या है वहाँ? तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मुल्ले को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मुल्ले को चमका दूंगा। तैने मेरे चित को पसंद किया है, तू मत जा, यहीं रह। इसमें यही दिखाया गया है कि सेठ किस तरह लालच देकर चिड़िया को अपने पास रोकने की कोशिश करता है। वह यही कहता है कि मेरे बगीचे में कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, सब तुम्हारे कहने पर ही खिलेंगे और इन सब सुंदरताओं के सामने तेरी माँ क्या है? तेरे घोंसले में है ऐसे फूल? तेरे आसपास है ऐसी सुंदरता? नहीं है, तेरे घोंसले के आसपास कुछ भी नहीं है। तू खुद को देख, तू कितनी सुंदर है, तेरी गर्दन कितनी सुंदर है, तेरा शरीर कितना रंग बिरंगा है। तुम अपने मूल्य को जानती ही नहीं कि तेरा मूल्य क्या है। मैं तुम पर सोना चढ़ाकर तुम्हारे मूल्य को बढ़ा दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे मन को पसंद किया है। इसलिए तू मत जा, तू यहीं रह। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। फिर चिड़िया ने सेठ से कहा कि मैं नहीं जानती कि मेरा मूल्य क्या है, मैं तो बस एक ही बात जानती हूँ कि मेरी माँ ही मेरा सब कुछ है। मुझे देर हो रही है, अंधेरा हो रहा है और मैं रास्ता भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षणभर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। फिर सेठ ने चिड़िया से कहा कि अगर तुमने जाना है तो जाओ, लेकिन इस बगीचे को तुम अपना ही समझना, तुम बहुत सुंदर हो। ये कहते ही उसने बड़ी चलाकी से एक बटन दबाया। उसके दबते ही दूर कोठी से एक आवाज आई, दूर कोठी से एक आवाज हुई, जिसे सुनकर नौकर भागकर बाहर आ गया। ये सब इतनी जल्दी हो गया कि चिड़िया को कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच
तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन है। कितने भाई बहन है? यहाँ पर सेठ ने अपने दास को इशारा किया कि वह चिड़िया को पकड़ ले, और जब वह नौकर चिड़िया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगा, तब तक सेठ चिड़िया को अपनी बातों में फुसलाने लगा कि वह उड़कर ना चली जाए। चिड़िया, दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो अजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है। फिर सेठ ने उससे पूछा कि तुम्हारे कितने भाई बहन है? चिड़िया ने कहा कि दो बहन और एक भाई है, लेकिन मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है। सेठ चिड़िया को अपनी बातों में फिर से फुसलाने लगा, पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने इतने और हाल सुनाओ, वे मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। यहाँ पर चिड़िया को कुछ कुछ अंदाजा होने लगा कि सेठ उसे पकड़ने की कोशिश करेगा, तो चिड़िया को अपने मन के भीतर किसी आने वाली आशंका के लिए डर लगने लगा, और वह चकन्नी होकर चारों तरफ देखने लगी। फिर वह कहने लगी कि मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दो। फिर सेठ ने उसे फुसलाया कि अभी बहुत समय है, अभी उजाला है, अपने घर के बारे में और बताओ। चिड़िया ने कहा कि सेठ मुझे डर लगता है, मेरी माँ दूर है, रात हो जाएगी तो मुझे रास्ता पता नहीं चलेगा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ ओ माँ। जब तक सेठ चिड़िया को अपनी बातों में फुसला रहा था, तो उसे ऐसा लगा कि कोई कठोर सा स्पर्श उसके शरीर को छू गया, और वह जोर से चीखी और उड़ गई। नौकर के हाथ में आकर भी वह उसके हाथ में ना आ सकी और उड़कर सीधी अपनी माँ की गोद में गई और रोने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काम काम कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ ओ माँ। थोड़ी जब चिड़िया अपनी माँ के पास इस तरह रोने लगी, तो माँ ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तो वह कांपने लगी और माँ की छाती से जोरों से चिपक गई और कुछ नहीं बोली, और माँ माँ कहती सुबकने लगी। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा और तब वह पलक नीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी। थोड़ी देर के बाद जब उसको हिम्मत आई, तो आंखों को बंद कर अपनी माँ के साथ चिपक कर सो गई, और उसका मन ऐसा हुआ कि वह सदा इस तरह अपनी माँ के साथ चिपक कर सोई रहे और अपनी आंखें ना खोले। ओके स्टूडेंट्स, आज ये आपका पार्ट 9 खत्म होता है, तो आपने इसके प्रश्न उत्तर शब्दार्थ अपनी नोटबुक पर नीट एंड क्लीन करने हैं। थैंक्स।